हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। ऑटो रोटेट नहीं हो रहा। यस, चलो कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो बस थम्स अप कर दीजिएगा। यस, तो चलो कल हम लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके हम लोगों ने सिनॉप्सिस देखा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2023 के पीवाईक्यूज। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग 2023 के पीवाईक्यूज के। ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अभी इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। होता है क्या? आप देख रहे चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, मैंने कल आपको इक्वेशन बताया था, इक्वेशन ऑफ वेव, तो वो वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे कल भी बताया था। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या इक्वेशन दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव का, y इज इक्वल्स टू 2 साइन 0.01x प्लस 30t। अभी आप अगर इक्वेशन भूल भी जाओ, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। देखो, अभी इक्वेशन भूल जाओ तो कैसे याद रखो? याद रखना, t के साथ ओमेगा होता है और x के साथ k होता है। तो देखो, ये इक्वेशन कैसे होता था, पहले तो a होता था, a साइन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, x के साथ कौन होता है, k, जिसे हमने वेव वेक्टर कहा था, kx प्लस ओमेगा t। ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन निकालना क्या है वो देखते हैं अभी हम लोग। ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन 0.5 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड में, इफ एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये सारे सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीटर में मिल रहा है। अच्छा, तो अभी कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखिए। अभी इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा t के साथ, कंपेयर करते ही आपको मिलेगा k इज इक्वल्स टू 0.01 एंड देन ओमेगा इज इक्वल्स टू मिलेगा 30। देन इससे क्या मिलेगा, v का एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने कल, v इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय k, तो इस फॉर्मूले से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। बट याद रखना, यूनिट्स ध्यान में रखना, ओमेगा 30, k का वैल्यू 0.01, ये आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में मिलेगा, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में यूनिट्स यहां पर। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 30 डिवाइडेड बाय 0.01 को मैं 10^-2 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 30 × 10^2। 30 × 10^2 का मतलब हुआ 3000 और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी ये वेलोसिटी मिला है, वेलोसिटी मिलने पे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, डिस्टेंस है ना एक प्रकार का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूला है जो आप लोग 9-10 से यूज करते आए हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब हमें चाहिए लेंथ, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ, और स्पीड मतलब वी इंटू टाइम टी। टी भी दिया हुआ है उसने, टी बोला हुआ है 0.5 सेकेंड। ठीक है, टी कितना बोला हुआ है, 0.5 सेकेंड, 0.5। ठीक है, देन लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन मीटर में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शंस मीटर में दिख रहे हैं और बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो हम लोग ये 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, बेसिक यूनिट कन्वर्जन है। देन ये 30 वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे इनटू टाइम कितना बोला है, 0.5। हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। देखो इजी था बहुत, ये जीरो और ये पॉइंट कैंसल, 3 × 5 = 15 मीटर, यही निकालना था हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि मिल रहा है हमें 15 मीटर। चलो समझ में आया है क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो यस करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर।
चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, अभी द सेकेंड ओवरटोन ऑफ अ ओपन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। मतलब सेकेंड ओवरटोन किसका, क्लोज पाइप का सेकेंड ओवरटोन, क्लोज पाइप का सेकेंड ओवरटोन मतलब N2, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम है किसके साथ, ये ओपन पाइप का है ना, तो ओपन पाइप के लिए मैं O लिखूंगा, N2 ओपन पाइप के लिए O लिखूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ सिमिलर है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप N1 ऑफ C, C मतलब क्या क्लोज पाइप, देखो ऑफ लेंथ L, द लेंथ ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप का लेंथ निकालना है आपको, ओपन पाइप का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, मुझे बताइए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप में कितना होता है, इसे हम लोग लिखते हैं 3V डिवाइडेड बाय 2L, और ये L O लिखूंगा ताकि ये लेंथ ऑफ ओपन पाइप मिलेगा आपको, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है क्लोज पाइप का, क्लोज पाइप का होता है 3V डिवाइडेड बाय 4L, तो यहां पे एल सी लिखूंगा मैं, एल सी मतलब क्या, क्लोज पाइप की लेंथ एल बोल रहा है ना, तो देखो ये 3 से 3 कैंसल, V से V कैंसल, यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 2LO इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4L, आपको क्या निकालना है, यही LO निकालना है, LO निकालना है आपको, तो LO को उधर भेज दीजिएगा, ये 4L इधर आ गया डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर मिला 2L। देखो हार्डली आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने को, 20 सेकेंड्स लगेंगे, सिर्फ 20 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर हुआ क्या, चलो यस, ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है, 2L है, सी आंसर है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन था आज का, रिपीट करना है ठीक है, रिपीट में कुछ नहीं, देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, सेम फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन ओपन पाइप का, कल देखा था हम लोगों ने फॉर्मूला, उसमें पी का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, देन क्लोज पाइप के लिए जो फॉर्मूला देखा था उसमें पी का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, और दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है वो पुट कर देंगे तो ये मिलेगा, देन इधर एलओ मतलब लेंथ ऑफ ओपन पाइप और एलसी मतलब लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो वापस से इक्वेशन पर क्वेश्चन आया था, मैंने कल से बोल रहा हूं आपको कि इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव्स इज गिवन बाय द इक्वेशन, दो साइनोसॉइडल वेव्स थे, दोनों का इक्वेशन दे रखा है आपको यहां पर वाई वन और वाई टू, और पूछा क्या है, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, याद रखना फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस होता है, और यहां पे एंगल तो साइन के साथ ही आएगा ना, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो एक्स टी का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड्स और एक्स का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, देखते अभी कैसे फेज डिफरेंस निकाला जाता है। एक चीज याद रखना, फेज मतलब एंगल होता है, और एंगल कहां आएगा इस इक्वेशन में, एंगल साइन के साथ ही आएगा, तो वाई वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 sin of 20x - 30t, ओके x और t के वैल्यूज पुट कर देंगे अभी हम लोग, देखो sin ऑफ 20, इसमें देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, बस फेज डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, 20 इंटू एक्स कितना दिया है 5 - 30 इंटू टी कितना दिया है 2, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, y1 का इक्वेशन मिलेगा 8 sin of 25 = 100, 100 - 60 = 40, इसे ऐसे ही रखो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, फेज डिफरेंस चाहिए हमें रेडियन में, ये y1 मिला, y2 सॉल्व करो सिमिलरली, y2 का इक्वेशन दिया है 8 sin of 25x - 40t, y2 इधर भी आप x और t के वैल्यूज पुट कर सकते हो, sin ऑफ 25 x कितना है x 5 माइनस 40 इंटू टी कितना है 2, 8 वैसे ही रहेगा, साइन ऑफ ध्यान दीजिए 25 5 125 125 125 - 80 125 - 80 45, अच्छा अभी ऑप्शन में आपको 40 45 तो दिख नहीं रहे सर, कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, याद रखना है फेज मतलब एंगल होता है, फेज मतलब एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल, ये वाला टर्म 40 और ये वाला टर्म 45, इसमें कितना डिफरेंस है वो उतना ही पूछ रहा है, तो 45 माइनस 40 ये आया 5, तो इन दोनों में डिफरेंस है 5 रेडियन का।
फाइव रेडियन मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है। यस डी करेक्ट, यस डी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में देखो, इफ एल इज द लेंथ ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आर इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप, आर रेडियस है, एल लेंथ है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन और क्लोज पाइप में कैसे याद रखोगे आप, फॉर्मूला ट्रिक है देखो, उसका फॉर्मूला याद रखने के लिए भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाते हैं। ओपन पाइप में कम होता है नीचे डिनोमिनेटर 2L होता है, ये ओपन पाइप के लिए होता है हमारा, और एन इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय अगर 4L लिख दे तो ये हमारा क्लोज पाइप के लिए होता है, तो ये हमारा क्लोज पाइप के लिए होता है, ठीक है। देन ये पूछा नहीं ये बट मैंने बता दिया आपको, एन इक्वल्स टू क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय 2L। ऑप्शन में वी दिख रहा है बट नीचे आर के टर्म्स में दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ ओपन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इस तरीके से डायग्राम आता है, और यहाँ पे एक एंड करेक्शन देना पड़ता है ओपन एंड में, हाँ एंड करेक्शन देना पड़ता है, तो यहाँ पे स्मॉल एल प्लस ई हो जाता है, ठीक है। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है 0.3 टाइम्स ऑफ डी, डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप होता है, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 0.3 इंटू डायमीटर 2R, तो ये आपको ई मिलेगा 0.6R, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा स्मॉल एल प्लस 0.6R हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, बट 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा शायद, तो V डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट L प्लस 0.6R, ये ऑप्शन मिल रहा है क्या। ओपन ओपन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस से, हाँ करेक्ट 2E होता है ना ओपन एंड में, 2E होता है दोनों साइड में ओपन अगर है तो, ओपन पाइप बोला है ना तो इधर से भी ओपन ही रहेगा, तो ये 2E मतलब 0.6R मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 1.2R, 1.2R यहाँ पे 1.2R आएगा। हाँ अभी देखिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, क्यों पता है ओपन बोला है ना, ओपन पाइप तो ऐसे होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो एक एंड करेक्शन इधर लगेगा, एक एंड करेक्शन इधर लगेगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। यस डी करेक्ट है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है देखो, मैंने बीट्स के प्रोडक्शन के पहले एक पॉइंट बताया था आपको, देखो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग, दो साउंड वेव्स बीट्स में, याद कीजिए जल्दी से ऑप्शन बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, हार्डली आपको 5 to 10 सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल बताया है मैंने कि क्या होता है इसमें, जल्दी से देखो क्वेश्चन इजी भी आते हैं। देखो सबसे पहले तो बीट्स का जो प्रोडक्शन होता है, बीट्स के प्रोडक्शन के लिए एक चीज पता होना चाहिए आपको, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, बीट्स के प्रोडक्शन के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड सेम कहाँ कहाँ है, इस ऑप्शन में सेम है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड बोला तो उस ऑप्शन को वही हम लोग कट कर देंगे, देन इधर भी डिफरेंट एम्पलीट्यूड बोल रहा है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, क्यों देखो
सी में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड बोल रहा है, बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, स्लाइटली अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होते हैं, इसीलिए यह ऑप्शन नहीं आएगा, यह रहेगा सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो क्लियर है, बड़े आगे इजी क्वेश्चन था ये बहुत। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कैसे समझ में आएगा देखो। टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स, दो सोर्सेस है साउंड के प्रोग्रेसिव वेव्स इमिट कर रहे हैं और उन प्रोग्रेसिव वेव्स का आपको इक्वेशन दिया। देखो एक क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर भी सकते हैं बट आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा आराम से सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो ट्रिक भी बताऊंगा, इक्वेशन इसमें भी भूल गए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो क्या इक्वेशन है, 4 sin of 708 pi t और y2 is equals to दिया है आपको 3 into sin of 700 pi t। सर अभी इक्वेशन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करें हम लोग इसे। देखो सबसे पहले तो टी के साथ कौन आता है, ओमेगा आता है। इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, ए साइन ओमेगा टी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बट यहाँ पे पाई आ रहा है अंदर, पाई तो पाई के लिए हमारे पास ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n, करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n। तो मुझे बताइए ओमेगा इक्वल टू 2 pi n पुट कर दो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 pi n t, साइन ऑफ 2 pi n t। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करो उस इक्वेशन के साथ, आपको n1 मिलेगा इस इक्वेशन से, आपको n2 मिलेगा इस इक्वेशन से, कैसे मिलेगा देखो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, 2 pi n1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 708 pi, ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ना ये वाला 2 pi n1 और ये 2 pi n2, n1 n2 निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने पूछा क्या है, दी नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकंड मतलब मैंने कल आपको बताया लास्ट में जाते जाते कि नंबर ऑफ बीट्स कितने से पर सेकंड कितने हियर किए गए, तो ये अगर आपको निकालना है दो वेव्स का तो आप n1 माइनस n2 कर लेना मिल जाएगा। देन इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग मतलब क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी का ऑकरेंस, वैनिंग मतलब क्या, मिनिमम इंटेंसिटी का ऑकरेंस, ये हम लोग कल देख चुके। तो देखो ये पाई से पाई कैंसल, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये आपको मिलेगा 354, क्या मिलेगा ये आपको 354। देन सिमिलरली कंपेयर कीजिए 2 pi n2 इज इक्वल टू 700, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पाई से पाई कैंसल मिलेगा, यहां पर n2 का वैल्यू आपको मिलेगा 350। अच्छा कितने बीट सुनाई दिए हमें, तो ये n1 माइनस n2 मतलब ये होगा 354 माइनस 350, सो इट विल बी 4 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। जिस ऑप्शन में 4 दिख रहा है वही ऑप्शन अभी हमारे लिए जिंदा है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे लिए कट हो चुके हैं, जैसे केबीसी में होता है 50-50 लाइफलाइन, वो लाइफलाइन हम लोग यूज कर लिए अभी। चलो देन इतने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपको वैक्सिंग वैनिंग निकालना था, वैक्सिंग वैनिंग मतलब क्या होता है, वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का ऑकरेंस, और रेशियो पूछा है रेशियो, तो आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी याद रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर को इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट विल बी A1, दो है ना, दो वेव्स है तो A1 प्लस A2 का स्क्वेयर, और मिनिमम इंटेंसिटी में क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी में A1 माइनस A2 करना पड़ेगा हमें, A1 माइनस A2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। A1 कंपेयर कीजिए, ये A, यहाँ पे A1 4 और A2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन A1 कितना है 4, A2 कितना है 3, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 मतलब 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यूज कंपेयर किए बस मैंने इक्वेशन के साथ, मुझे आंसर भी मिल गया। देखो 4 प्लस 3 होगा 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81
फोर प्लस थ्री सेवन, ओ हो सेवन का स्क्वायर 49, 49 इज टू वन, 49 इज टू वन, और ये कितना मिला था मुझे 4, 49 इज टू वन, मेरा ऑप्शन बी भी कट हो गया। यस क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो, अगर मजा आ रहा है लेक्चर में तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो जल्दी से जल्दी। क्या नहीं समझा आपको, देखो कुछ नहीं, इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए, कल बताया था ये इक्वेशन, बस उसमें ओमेगा की जगह 2 पाई अनपुट किया, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट कहां पर था, जहां जहां पर कॉन्सेप्ट था उसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये एन वन माइनस एन टू जो है ना, ये नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकेंड होता है, कल बताया था एन वन माइनस एन टू, तो वो हमें निकाल लिया, तो पहला आंसर आ गया, तो दो ऑप्शन वही पर कट हो गए हमारे, 50-50 हो गया। देन हमें निकालना क्या था, वैक्सिंग एंड वैनिंग का रेशियो, वैक्सिंग मतलब क्या, occurrence of maximum intensity, waning मतलब क्या, occurrence of minimum intensity। चलो क्लियर हुआ, बढ़ते आगे। चलो क्या बोल रहा है देखो, फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक पाइप है क्लोज्ड एक एंड पर, बहुत बच्चों को पाइप वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम जाता है, तो वैसा भी क्वेश्चंस आता है पाइप पर, मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने देखे भी, आप लोगों ने भी देखे अभी कितने क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन एन एयर कॉलम इज वाइब्रेटेड द थर्ड ओवरटोन इज फाउंड, थर्ड ओवरटोन इज फाउंड टू बी देयर इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड ओवरटोन मतलब कैसे समझते हैं अभी, देखो एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, वैसे ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पढ़ के ही आप टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले फंडामेंटल मोड बताता हूं आपको मैं फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल मोड में क्या होता है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, तो फंडामेंटल में ओपन एंड पर एंटीनोड फॉर्म होता है, ये क्लोज्ड एंड, ये फंडामेंटल था, इसमें कितना आधा लूप है, आधा, इसके बाद एक लूप पूरा बनेगा और आधा ऊपर रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं हम लोग उसे, कैसे याद रखोगे आप, देखो ये तो बेसिक था ना एकदम, देन इधर एक लूप बनेगा पूरा, जस्ट वेट, इधर एक पूरा लूप बनेगा ऐसा, हाँ पूरा लूप बनेगा और इधर एक आधा लूप बनेगा, तो ये हुआ आपका फर्स्ट ओवरटोन। आपको थर्ड ओवरटोन तक कैसे जाना है एकदम बता रहा हूं बेसिक से, देन ये सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन में मुझे बताओ, इसमें आधा लूप, इसमें वन एंड हाफ लूप, इसमें टू एंड हाफ लूप रहेंगे सर, टू एंड हाफ लूप मतलब ये दो लूप पूरे रहेंगे और इधर हाफ लूप रहेगा, इधर हाफ लूप रहेगा, हाँ ये आपका हुआ सेकेंड ओवरटोन, लेकिन ये आपको पूछ रहा है थर्ड ओवरटोन का, थर्ड ओवरटोन का पूछ रहा है, थर्ड ओवरटोन का कैसे निकालेंगे अभी ध्यान दीजिए, हाफ लूप, वन एंड हाफ लूप, टू एंड हाफ लूप, थ्री एंड हाफ लूप, करेक्ट, हाँ अभी कितने नोड और कितने एंटी नोड ये आपको बताना है, ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे आप लोग, देखो एंटी नोड को स्काई ब्लू कलर के पेन से दिखाऊंगा मैं, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, चार एंटी नोड वाला ऑप्शन देखो, चार एंटी नोड, चार एंटी नोड वाला ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो कट हो गया, देन नोड दिखाना है रेड पेन से दिखाऊंगा, नोड वन टू थ्री फोर, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, फोर नोड फोर एंटी नोड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी याद रखना, कभी भी यहां पर लिख के देता हूं मैं आपको, ट्रिक क्या थी, क्लोज्ड एंड वाला पाइप अगर है, क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड अगर है तो सेम नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड होता है, तो अगर ये ट्रिक आपको पहले पता होती ना तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर देते, हाँ सर ये तो सही है, सेम सेम तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था ना। चलो मजा आया, समझ में आया,
चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आया होगा तो बस थम्स अप कर दो जल्दी से। साथ में रखिए आप, अभी आप साथ में रख सकते हो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका तो है ही साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वेट फॉर अ सेकंड। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है नॉर्मल क्वेश्चन से, बोथ साइड ओपन के लिए बताऊंगा, बने रहिए आप, क्वेश्चन आता है तो बता दूंगा ट्रिक। चलो ए एंड बी आर टू इंटरफेरिंग सोर्सेस, चलो बता ही देते, बच्चे पूछ रहे हैं बोथ साइड ओपन है तो क्या ट्रिक होगा। चलो यार बच्चों को नाराज नहीं करते, बता देते ट्रिक क्या होता है, क्योंकि दो ही तो क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलो बोथ एंड अगर ओपन है तो कम से कम ये बनेगा। अच्छा उसके बाद इसमें कितने लूप बन रहे हैं मुझे बताओ ना, इसमें कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप, आधा आधा पकड़ के एक लूप बन रहा है, देन इधर एक ऐसे रहेगा ओपन, देन इधर तो एक पूरा लूप बनना पड़ेगा क्योंकि नीचे आधा लूप बनेगा। हाँ तो इससे देख लेते हम लोग कितना होगा, एंटीनोड 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 एंटीनोड, देन नोड 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 नोड, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तीन एंटीनोड दो नोड, दो नोड एक एंटीनोड, इन ओपन पाइप, इन ओपन पाइप एंटीनोड का वैल्यू प्लस वन होता है, मतलब ज्यादा होता है नोड से, एंटीनोड का वैल्यू नोड से प्लस वन होता है हर बार। चलो बता दिया ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा। अभी देखो ए एंड बी आर टू इंटरफेरिंग सोर्सेस वेयर ए इज अहेड इन फेज बाय 54 डिग्री टू बी, मतलब ए आगे है बी कितने फेज से, 54 फेज से आगे है ठीक है। देन द ऑब्जर्वेशन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट पी, पी ए बी माइनस पी ए इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा, मतलब पी बी माइनस पी ए, PB माइनस PA इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा है, याद रखना। ऐसा जब भी कोई चीज आपको दिया जाए तो ये होता है KX, क्या होता है ये KX होता है, KX कैसे याद रखा जाए सर, KX होता है। देखो कंपेयर कर लीजिए इसको, KX इज इक्वल टू क्या 2.5 लैम्डा, K का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला 2π बाय लैम्डा होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, K का फॉर्मूला 2π बाय लैम्डा होता है। चलो रुको इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखिए आपको, उसके बाद देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम ए एंड बी रीचिंग पॉइंट पी इन रेडियन, रेडियन में पूछा है कितना फेज डिफरेंस आएगा, किस में पूछा है, रेडियन में कितना फेज डिफरेंस आएगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 54 मल्टीप्लाइड बाय रेडियन का, डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में अगर करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, पाई बाय 180 से ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 90 ठीक है, हाफ हाफ किया, देन 3 से रिड्यूस कर लेना, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9, देन वापस से 3 और ये 10, मतलब आपको मिलेगा 3 बाय 10 पाई, इसका मतलब सिंपली 0.3 पाई मिलेगा आपको। तो ये 0.3 पाई आंसर नहीं है, 0.3 पाई आंसर नहीं है, क्यों नहीं है बताए 0.3 पाई आंसर, क्योंकि ये आपको kx इक्वल टू 2.5 लैम्डा वाला जो टर्म है ना, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, किसके साथ, k मतलब क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और x कितना है, ये आपको pa माइनस pb जो दिया है ना, pa माइनस pb ये पाथ डिफरेंस होता है,
पाथ डिफरेंस क्या टर्म होता है ना, ये पाथ डिफरेंस टर्म हम लोग अगले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे उस पर। इनटू एक्स कितना 2.5 लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई इनटू 5 पाई, ठीक है 5 पाई हो गया। तो अभी कितना फेज डिफरेंस है मुझे बताओ, पहले इतना फेज डिफरेंस आ रहा था उसमें, एक्चुअल में था उतना पहले फेज डिफरेंस 5 पाई, देन ये एंगल तो आगे था वो ऑलरेडी, तो 5 पाई प्लस 0.3 पाई आपको आंसर मिलेगा 5.3 पाई रेडियन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं किसने आंसर दिया है, क्लियर हुआ? यस सी करेक्ट है। सर एक्सप्लेन अगेन। ओके ध्यान दीजिए, क्या था आपको क्या बोला था, पीबी माइनस पीए, जब भी देखना दो अगर वेव्स है उनके बीच में अगर वो अलग अलग लेंथ चल रहे, अगर दो वेव अलग अलग लेंथ चल रहे हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कहते हैं हम लोग उसको, और वो आपको दिया है 2.5 लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस मतलब x होता है, और हमें पता है kx इक्वल्स टू, हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं कैसे, kx, kx मतलब क्या होता है, kx मतलब एंगल ही होता है ना बेटा, कैसे सर देखो ये इक्वेशंस देखे थे हम लोगों ने, y इज इक्वल टू, और डेप्थ में जाकर बता रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा t, तो मुझे बताइए kx वाला टर्म किस में था, एंगल में था ना kx वाला टर्म, तो वो एंगल हुआ ना एंगल, समझ में आया अभी? चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर लॉन्ग, एक वायर है 20 मीटर लंबाई है उसका, वेइंग 50 न्यूटन, हैंग्स वर्टिकली, 50 न्यूटन उसका वेट है और वो वर्टिकली हैंग कर रहा है, द स्पीड ऑफ द वेव एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर इज, मिड पॉइंट पर उसका स्पीड कितना होगा ये पूछ रहा है वो, मिड पॉइंट पर कितना स्पीड होगा मुझे बताओ, मिड पॉइंट पर स्पीड कितना होगा, मान लो ये वायर है वर्टिकली हैंग कर रहा है, मिड पॉइंट पर स्पीड कितना होगा ये वो पूछ रहा है। मिड पॉइंट पर सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, क्यों पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएगा कोई, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, ऐसे कुछ होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय समथिंग, 11th का फॉर्मूला है, जल्दी से चाहिए मुझे कमेंट में। देखते हैं कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। एम यस करेक्ट है दीपक, करेक्ट, चलो ध्यान दो यहां पर, v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट टी बाय m, m मतलब क्या होता है, मास नहीं होता है, m मतलब लीनियर डेंसिटी होता है। देखो टेंशन निकालना पड़ेगा ना, टेंशन, टेंशन कितना रहेगा सेंटर पर, टेंशन कितना रहेगा, क्योंकि देखो ना सेंटर का स्पीड ऑफ द वेव एट मिड पॉइंट ऑफ द वायर, वायर के मिड पॉइंट पर कितना टेंशन रहेगा, देखो टेंशन रहेगा t इक्वल्स टू mg बाय 2, क्यू 2 से डिवाइड कर रहे हो, मुझे बताओ टेंशन इतने ही पार्ट की वजह से आएगा ना इसमें, ये पार्ट की वजह से क्यों टेंशन आएगा, और अगर पूरे का वेट mg है तो ये आधे का वेट तो mg बाय 2 ही होगा ना, हाँ mg बाय 2 ही होगा, और mg का वैल्यू हमें पता है 50 है, तो 50 बाय 2 मतलब टेंशन कितना आया 25 न्यूटन, यस m होता है करेक्ट, m का वैल्यू कितना लेंगे अभी हम लोग, ध्यान दीजिए अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय m, मतलब क्या होता है पता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकाला जाए, एम मतलब लीनियर डेंसिटी होता है बेटा, एम मतलब लीनियर डेंसिटी होता है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मुझे बताओ पूरा मास कितना है उसका, देखो कैसे निकालेंगे सर मास तो दिया ही नहीं है, एम जी कितना है, एम जी 50 है, जी का वैल्यू 10 ले लो, उसी ने खुद ने कहा है,
तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो m कितना हुआ, 5 kg हुआ, m 5 kg हुआ, मास 5 kg डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है वायर का 20, तो ये आपका आएगा 1/4। चलो कहीं नहीं बताएंगे इतना डिटेल में, देखो आप ठीक है, कहीं पर आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। देखो m का वैल्यू, t का वैल्यू पुट कर देंगे, m को अभी m ही रखिए, अंडर रूट t कितना है, टेंशन हमने निकाला 25, m कितना आया 1/4, ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 4 इज इक्वल टू 100, रूट 100, रूट 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड। यस करेक्ट, मजा आ रहा होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटर्न इक्वल इन फ्रीक्वेंसी। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्लोज्ड पाइप मतलब एनसी, उनका कौन सा फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है, और ओपन पाइप का भी फर्स्ट ओवरटर्न, इनका इक्वल इन फ्रीक्वेंसी ये बोल रहा है। देन द लेंथ ऑफ दिस पाइप आर इन द रेशियो, मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओपन पाइप का रेशियो पूछा है आपको। मुझे अभी आप जल्दी से फर्स्ट ओवरटर्न में क्लोज्ड पाइप में कितना फ्रीक्वेंसी होता है पहला क्लोज्ड में लिखिए और कॉमा ओपन में लिखिए बाद में, जल्दी से आंसर बताइए। देखो ध्यान देना है, क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट ओवरटर्न में कितना फ्रीक्वेंसी होता है, क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट ओवरटर्न में फंडामेंटल क्या होता है, वी बाय 4L, देन उसमें 3-5 ऐसे आता जाता है, कल देखा था, तो ये होता है 3V डिवाइडेड बाय 4LC, LC मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप, और यहां पर ओपन पाइप में फर्स्ट ओवरटर्न, जल्दी से ओपन पाइप में फर्स्ट ओवरटर्न कितना होता है जल्दी से बताइए। ओपन पाइप में सबसे पहले तो सर ओपन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय 2L होता है, येलो आ जाएगा, सेकेंड 2 आ जाएगा, यहां पर हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आपको रेशियो मिल जाएगा, आपको क्या 3V डिवाइडेड बाय 4LC इज इक्वल्स टू 2V डिवाइडेड बाय 2LO, तो ये वी से वी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आपको LC डिवाइडेड बाय LO चाहिए। LC डिवाइडेड बाय LO कैसे मिलेगा, LC डिवाइडेड बाय LO, ध्यान दो ये LC इधर गया, LO यही पे रहा, ये इधर का 3/4 वैसे ही बचेगा, आपका आंसर आएगा 3:4 इज ऑप्शन नंबर सी। यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक ही गर्ल ने, एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया है करेक्ट। अच्छा अभी वापस आया है, करेक्ट, बहुत लोगों का आ रहा है अभी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। अ स्ट्रिंग ऑफ मास m इज अंडर टेंशन t, एक स्ट्रिंग था जिसका मास कितना है m, अंडर टेंशन टी। वैसे ये क्वेश्चन में इसका आधा जो पार्ट है ना ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कहां पर, इसके पहले क्वेश्चन में। देखो मतलब हर एक ही ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक ही ईयर के क्वेश्चंस में चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। चलो
द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया है. अ ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच द अदर एंड, एक एंड से स्टार्ट हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको अदर एंड पर जाने में, ये वो पूछ रहा है. अभी ध्यान देना है, अदर एंड पर जाने में टाइम कितना लगेगा, टेंशन दिया है, मास दिया है, इसका मतलब कुछ तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें. तो हमारे पास फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, और ये स्मॉल एम लिखूंगा ना कि ये मास है, ठीक है. टी मतलब क्या है, टेंशन है, और एम स्मॉल एम मतलब क्या है, लीनियर डेंसिटी है. लीनियर डेंसिटी होता क्या है, लीनियर डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ. वही तो बोल रहा था अभी, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट देखा, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास मतलब कैपिटल एम, लेंथ मतलब कैपिटल एल. तो अभी हम लोग स्मॉल एम की जगह ये पुट करेंगे, बट टाइम निकालने बोला है मुझे. टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक हो. देखो वेलोसिटी मतलब मैं स्पीड बोल सकता हूं वेव का, इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा मुझे बताओ कितना डिस्टेंस चलना है उस वेव को, ट्रांसवर्स वेव को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इतना ही डिस्टेंस चलना है, तो ये एल डिवाइडेड बाय टी. तो वी के जगह ये पुट कर दो, एम के जगह ये पुट कर दो, ऑप्शंस आपके लिए खड़े हैं, आंसर बताना है आपको बस. वी के जगह क्या पुट करोगे, एल डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल टी डिवाइडेड बाय, स्मॉल एम के जगह आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एल. तो देखो इसे सिंप्लीफाई कर दो बस थोड़ा सा, एल बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टी इंटू एल डिवाइडेड बाय एम. अच्छा अभी क्या करें सर, अभी हमें निकालना है टी, तो टी निकालना है तो यहां पे हो जाएगा वन बाय टी इज इक्वल टू वन बाय एल अंडर रूट में टी इंटू एल डिवाइडेड बाय एम. अच्छा ये 1 बाय टी दे रहा है, और तो और आपको रूट के बाहर कोई भी नोटेशन नहीं दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन का खेल है बस. क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है. 1 बाय टी, मैं 1 बाय एल को रूट एल इंटू रूट एल लिख देता हूं, और इसे अंदर हो जाएगा टी एल डिवाइडेड बाय एम. तो ये रूट एल से ये एक एल कैंसल, 1 बाय टी इज इक्वल्स टू आपको मिला अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय एम एल. टी डिवाइडेड बाय एम एल ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बट हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 1 बाय टी है, हमें सिर्फ टी चाहिए. तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सर ml ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा, बात खत्म. तो आपका आंसर हुआ ml डिवाइडेड बाय टी, ml डिवाइडेड बाय टी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलो मजा आ रहा है क्या, जल्दी से थम्स अप करो भाई, सेशन को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों तक. चलो यस डी इज करेक्ट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर. क्या बोल रहा है देखो, अभी इस क्वेश्चन में देखिए आराम से सॉल्व करेंगे. इन एन ओपन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट थ्री ओवरटोन्स इज 3840. पहले तीन ओवरटोन्स मतलब फर्स्ट फर्स्ट थ्री ओवरटोन्स के फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, 3840 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है. चलो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ ऑर्गन पाइप इन फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में कितना फ्रीक्वेंसी होगा. सबसे पहले कल मैंने आपको एक सीरीज बताया था, वो सीरीज याद रखो, कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, किसी ने नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर देख लेना आप लोग. देखो फर्स्ट थ्री ओवरटोन्स क्लोज्ड पाइप में, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में, सबसे पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एन, देन आता है 3N, ठीक है, n से स्टार्ट होता है, देन आता है 3n, देन आता है 5n, देन आता है 7n, देन आता है 9n, ऐसे चलता रहता है.
और मैंने कल आपको ट्रिक भी बताया था, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन फर्स्ट हार्मोनिक्स है, ये मेरा सेकेंड हार्मोनिक्स है, सॉरी ये मेरा थर्ड हार्मोनिक्स है, ये मेरा फिफ्थ हार्मोनिक्स है। लेकिन हार्मोनिक्स से लेना देना नहीं है यार, अभी ओवरटोन से है तो हम लोग ओवरटोन देखेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद स्टार्ट होते हैं मेरे ओवरटोन, ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन, ये मेरा सेकेंड ओवरटोन एंड ये मेरा थर्ड ओवरटोन। तो इनका सम उसने बोला है उतना आ रहा है, तो चलो सम कर देते हैं उनका। 3n plus 5n plus 7n is equals to 3840 hertz। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, n ही तो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, n ही होता है ना आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐड कर दीजिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, ये हो जाएगा 15 n इज इक्वल्स टू 3840। चलो मतलब आपको n इक्वल्स टू चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 3840 डिवाइडेड बाय 15। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, 15 1 15 15 2 38 आया, 84 हो गया, 15 5 75 9 हो गया 90, ये हो गया 60, मतलब आपका आंसर आया 256 हर्ट्ज इज करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो क्लियर हुआ है क्या, जल्दी से बताओ। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो अ वायर ऑफ लेंथ एल अंडर टेंशन टी, एल लेंथ का वायर था उसमें टेंशन कितना था, टी टेंशन था, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में उसे क्या कर दिया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है, ठीक है। व्हेन इट इज प्लक्ड एट द मिड पॉइंट, प्लक्ड मतलब क्या, एक स्ट्रिंग को ऐसे खींच दिया गया और खींचने के बाद उसे बीच में ऐसे ऐसे प्लक किया तो वेव्स फॉर्म होते हैं, उसे हम लोग स्टेशनरी वेव कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज वी, न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ऑन प्लकिंग द वायर एट अ डिस्टेंस एल बाय फोर फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू टू, मतलब पहले फ्रीक्वेंसी न्यू था, देन एल बाय फोर डिस्टेंस पर अगर प्लक किया तो फ्रीक्वेंसी आ रहा है न्यू टू, तो वो न्यू टू हमें फाइंड करने बोला है उसने। चलो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल्स टू, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है मेरा एन, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन इंटू एल, मतलब फ्रीक्वेंसी के अलग अलग नोटेशंस होते हैं, यहाँ पे न्यू बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को वी बोला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोला जा रहा है और लेंथ को हम लोग एल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा, न्यू इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एल। अच्छा ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आप लोगों को। देन फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में न्यू वन आ रहा है आपका v डिवाइडेड बाय l, ठीक है, कितना आ रहा है v डिवाइडेड बाय l, और ये न्यू वन कितना होता है, देखो ना स्टार्टिंग में फर्स्ट पहले तो लैम्डा, देन टू लैम्डा आ जाता है, ये तो ये टू लैम्डा आता है, ये होता है v बाय l, तो आपको लैम्डा कितना मिलता है, लैम्डा मिलता है आपको, लैम्डा कितना मिलता है जल्दी से, ये आपको टू लैम्डा l मिलता है, लेंथ मिलता है, लेंथ तो आपको लैम्डा मिलता है l बाय टू, ठीक है, तो पुट कर देंगे हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू l बाय टू, कहां पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, वेलोसिटी v इक्वल्स टू n लैम्डा, कोई डाउट हो, कोई डाउट है क्या सर, पीडीएफ सेंड, हाँ पीडीएफ मिल जाती है आपको, टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाती है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है पता है, यहां पर आपको वेवलेंथ लेना है, v इज इक्वल टू एन लैमडा वेवलेंथ,
वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, तो यहाँ पे लैम्बडा होता है, पहले केस में लैम्बडा इक्वल्स टू एल रहेगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू वी बाय एल आएगा, ठीक है। देन इधर लैम्बडा इक्वल्स टू एल बाय टू हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू एल बाय टू हो जाएगा, तो पुट कर दो यार उधर, ये वी वन न्यू वन था आपका, देन न्यू टू चाहिए ना आपको, तो न्यू टू का वी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, वी डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना है एल बाय टू, तो आपको कितना मिला न्यू, न्यू टू मिला आपको टू वी बाय एल, टू वी बाय एल, इसका मतलब क्या, आपको न्यू वन बाय न्यू टू का रेशियो ही तो चाहिए, समझ में आ रहा है क्या या कंफ्यूज हो रहा है? देखो ध्यान दो, आपको क्या चाहिए, आपको रेशियो चाहिए न्यू वन बाय न्यू टू का, न्यू वन डिवाइडेड बाय न्यू टू का रेशियो चाहिए, न्यू वन मतलब पहला फ्रीक्वेंसी वी बाई एल, दूसरा फ्रीक्वेंसी टू वी बाई एल, एल से एल कैंसल, वी से वी कैंसल, यहाँ पे बचा वन और नीचे बचा टू, तो ये आपका आया वन बाय टू, मतलब वन इज टू टू, वन इज टू टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नहीं समझाए? देखो स्टार्टिंग में यहां पर गलती से वेवलेंथ के जगह लेंथ आया था, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैमडा, वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैमडा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वही फॉर्मूला यूज किया मैंने। पहले क्या बोल रहा है वो, वायर स्ट्रेच किया दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में, फिक्स किया प्लग किया, तो पहला जो लैमडा होता है वो एल के बराबर होता है, ये कल आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट में सिनॉप्सिस के वक्त। समझ में आया होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। रिपीट किया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया है, पहले वाले इसमें लैम्बडा इक्वल्स टू एल मिलेगा फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में लैम्बडा इक्वल्स टू एल मिलेगा, और बाद में L बाय फोर पे प्लेक करेंगे तो लैम्बडा इक्वल्स टू L बाय टू मिलेगा हमें, क्योंकि दो ही फॉर्म होंगे ना उसमें, हाफ हाफ लेंथ के दो लूप्स फॉर्म होंगे। अभी क्लियर है क्या मिलिंद? वेरी गुड अनुज। चलो तो आज हम लोग यही रुकेंगे, इसी के साथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के हर एक टॉपिक पर आपका क्वेश्चन कवर कर दिया गया और ट्रिक्स भी बताया आपको कैसे याद रखना है वो। चलो तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, तो चलो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, उम्मीद है आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र बुक वगैरह सब अवेलेबल है, 2021-22-23 के सारे पीवाईक्यूज है उसमें, तो आप वो बुक भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 23 के इसमें पीवाईक्यूज में। यस तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। कृष्ण कृष्णु गुप्ता, ये पीवाईक्यूज ही है बेटा, ये 2023 के पीवाईक्यूज ही है, देखिए यहां पर ये 2023 के ही पीवाईक्यूज है, आप चेक कर सकते हो ये कौन से पीवाईक्यूज है। यस चलो रुकेंगे यहां पर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।